मुरादाबाद महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन शातिर लुटेरों को मझोला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। मझोला थाना पुलिस टीम ने हर्बल पार्क के पास चेकिंग के दौरान चेन स्नेचर गैंग के तीन सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई चेन, 55,000 की नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एएसपी कुलदीप गुनावत ने चेन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि मझोला थाना पुलिस टीम ने चेन स्नेचिंग गैंग के तीन शातिर लुटेरे कड़घर थाना क्षेत्र के मिलक पंडित नगला निवासी विपिन कुमार पुत्र राम कुमार सिंह, मझोला थाना क्षेत्र के गांव धीमरी निवासी अरुण कुमार उर्फ गुंडा पुत्र आत्मा राम और कड़घर थाना क्षेत्र के गांव से सोनू पुत्र कृष्ण अवतार को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने उनके पास से एक चेन, 55,000 की नकदी और घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए लुटेरों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मझोला थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले गिरीश शर्मा के साथ चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र खरबंदा तिराहे के पास गुड्डी पत्नी मनोज और सिविल लाइन्स के पास रूबी गुप्ता पत्नी नितिन गुप्ता के साथ भी चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। मझोला पुलिस ने बहुत ही सराहनीय प्रयास करते हुए जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान है उसमें एक बड़ी अच्छी सफलता हासिल की। इसमें मझोला पुलिस ने हर्बल पार्क के पास चेकिंग करते वक्त एक संदिग्ध मोटरसाइकिल अपाचे, जिसके संबंध में और पहले से फुटेज प्राप्त थे कि कुछ चेन की लूट की घटनाएं की गई पूर्व में की गई थी, उनसे मिलते जुलते हुलिये वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बाद में पूछताछ पर यह पता लगा कि यह व्यक्ति विपिन कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मिलक पंडित नंगला गागन तिराहा थाना खड़गर का रहने वाला है और इसका एक साथी अरुण कुमार उर्फ गुंडा उम्र 24 वर्ष पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम धुंदी थाना मझोला। ये दोनों व्यक्ति मिलकर इन्होंने यहाँ पे मझोला थाना क्षेत्र में दो चेन लूट की घटनाएं और इसके पूर्व में सिविल लाइन क्षेत्र में दो चेन लूटने की घटनाएं इन्होंने पूछताछ में स्वीकार की। इनके पास से निशानदेही पे बरामदगी हुई है एक चेन, जिसको चेन और इसके अलावा बाकी सामान इन्होंने बताया कि इन्होंने एक सुनार को बेच दिया है, जिसका नाम है सोनू उम्र 32 वर्ष पुत्र कृष्ण अवतार निवासी भदौड़ा थाना कटगर। इसके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं जो कि इन्होंने चेन बेचकर जो कमाए थे। तो कुल मिलाकर तीन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक सोने की चेन और 55,000 रुपये जो चेन बेच के कमाए गए थे ये प्राप्त हुए हैं। इनका अपराधिक इतिहास क्या है? ये पूर्व में भी इन्होंने इनके ऊपर लूट के मुकदमे हैं। जो विपिन कुमार है यह इनका मेन सरगना है और इसने पूर्व में भी एक बार 392 धारा में यह थाना बिलारी से जेल जा चुका है। जो अरुण है उसके ऊपर भी पूर्व में 2019 में चोरी का मुकदमा है और सोनू के पास कोई पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। छात्र हैं जो पकड़े गए आरोपी? नहीं, ये छात्र नहीं, ये मतलब 30 से 35 वर्ष इनकी उम्र है और इनके एजुकेशन बैकग्राउंड निल है, मतलब प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए हैं, कोई एजुकेशन कोई खास एजुकेशन इनके है नहीं। सर, ये तीन ही सदस्य थे या इसके अलावा भी इनके और सदस्य हैं? नहीं, जितना इनसे पूछताछ में ये शामिल आया है कि इसमें विपिन और अरुण दोनों मिलके और कभी कभी विपिन अकेला ये घटना कारित करते थे और इसके साथ ही ये सोनू जो सुनार है उसको अपना सामान बेचा करते थे। सोनू भी इनके साथ इस पूरे घटनाक्रम में ये तीन लोग गैंग बना के एक तरीके से कार्य करते थे। सर, लगभग कितने समय से ये इस घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं? जितना इनसे पूछताछ में पता लगा है, इन्होंने घटनाएं जो हैं ये लॉकडाउन के बाद इन्होंने मेन घटनाएं करना चालू की हैं, लूटपाट की जो घटना है। पूर्व में भी ये जेल में रहे हैं, कुछ ये इस साल जेल में निकल के आया है जैसे अरुण, उसके बाद लगातार इनकी घटना करने का कार्यक्रम।